गुड आफ्टरनून टू ऑल। माइक्रो टीचिंग के ई क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग। इसका हिंदी होता है प्रश्नोत्तरी कौशल। जब शिक्षक क्लास में किसी कंटेंट को, किसी विषय वस्तु को पढ़ाते हैं तो बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं। उस क्वेश्चन पूछने के भी अपने एक तरीके होते हैं। इस क्वेश्चनिंग स्किल में हम आपको बताएंगे अपने स्टूडेंट से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका पहला कंपोनेंट है प्रॉम्प्टिंग। प्रॉम्प्टिंग का हिंदी होता है उत्साह देना या संकेत देना। जो क्वेश्चन हम पूछते हैं बच्चों से उसके प्रति हमको उसको उत्साहित करना है, उसको संकेत देना है कि हमारा आंसर इस तरह से होगा। दूसरा कंपोनेंट है सीकिंग फर्दर इन्फॉर्मेशन। मतलब हमको विस्तृत जानकारी प्राप्त करना है या सूचना प्राप्त करना है, जो हमारा कंटेंट है उसके प्रति विस्तृत जानकारी प्राप्त करना है और सूचना प्राप्त करके बच्चों को देना है, तभी वो हमारे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तीसरा है रीफोकसिंग, पुनः केंद्रीकरण करना। हमको अपने कंटेंट पर पुनः केंद्रीकरण करना होगा, तभी हमारे स्टूडेंट उसका जवाब बढ़िया से दे सकते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट है रीडायरेक्शन, मतलब पुनः निर्देशन देना। अपने कंटेंट से संबंधित क्वेश्चन को आंसर देने के लिए पुनः निर्देशन देना, पुनः निर्देशित किया जाता है बच्चों को, तभी वो क्वेश्चन का आंसर अच्छा से दे सकते हैं। और लास्ट कंपोनेंट है इंक्रीजिंग क्रिटिकल अवेयरनेस। हमको आलोचनात्मक प्रश्न का अवेयरनेस, जागरूकता लाना होगा, तभी हमारे बच्चे अच्छे से क्वेश्चन दे सकते हैं। हम आपको बता दें इनके लिए हमारे 6 सर्विंग मैन हैं जो हमको इस क्रिटिकल अवेयरनेस का क्वेश्चन देने के लिए सुलभ बनाते हैं। पहला है व्हाट, व्हाई, व्हेन, हु, व्हेन, हाउ, ए हाउ, वेयर। ये 6 सर्विंग मैन हैं जो हमारे क्रिटिकल अवेयरनेस का क्वेश्चन का आंसर देने में हमारी मदद करते हैं। जैसे इसका हिंदी होता है क्या, क्यों, कब, कौन, कैसे, कहाँ। इस तरह का क्वेश्चन का आंसर अगर हम देते हैं तो हमारा आंसर बहुत सटीक रहेगा। ये हमारे 5 कंपोनेंट लेके हम क्वेश्चनिंग स्किल को लेकर आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद। क्या गलत है, क्या सही है।